बाइनोमियल चल रही थी ना, लास्ट क्वेश्चन रह गया था 8.2 का। फाइंड दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसे क्वेश्चन नंबर है 12, वन प्लस एक्स की पावर एम, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6, कहते हैं फाइंड एम। बहुत पुराना क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। लो जी, एम सी जीरो, 1 की पावर m, x की पावर 0, एम सी 1, 1 की पावर m माइनस 1, यहाँ कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज एम सी 2, विच इज इक्वल टू 6। क्या दे रखा है? 6 m फैक्टोरियल, m माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, वैल्यू इज इक्वल टू m, m माइनस 1 बचेगा। लो m इज इक्वल टू माइनस 3, m इज इक्वल टू 4 पर एप्लीकेबल कौन सा होगा? 4 वाला, क्योंकि नेगेटिव वाले का फैक्टोरियल नहीं आता। ठीक है, करो। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। माइनस 3 नहीं हो सकता, हाँ ये माइनस 3 है। एप्लीकेबल कौन सा होगा? 4 वाला, क्योंकि नेगेटिव फैक्टोरियल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, m इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसको आज मिसलेनियस को खत्म कर देते हैं ना, मिसलेनियस। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी की पावर एन। अगर फर्स्ट टर्म है 7 to 9, सेकंड टर्म है 7 to 9, थर्ड टर्म है 3037। लंबा क्वेश्चन है, समझ लो, ठीक है। लो जी,
खोल दो इसको, एन सी जीरो ए की पावर एन बी, ठीक है, बी की पावर जीरो, एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन बी की पावर वन, एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू बी की पावर टू, ये फर्स्ट टर्म है। सेवन ट्वेंटी नाइन के बराबर, ठीक है। सेकेंड टर्म एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन बी, सेवन टू नाइन जीरो, एन सी टू थ्री जीरो थ्री सेवन फाइव, ये होगी फर्स्ट, ये होगी सेकेंड, ये हो गई थर्ड। फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड करते हैं, यानी एन सी जीरो ए की पावर एन, एन सी वन लो जी, एन सी जीरो तो वन हो जाएगा जब सॉल्व करोगे, बचेगा ए की पावर एन, और ये बचेगा, ये एन बचा, ये ए एन माइनस वन, ये बी, कुछ ना कुछ हमें सेटिंग करनी पड़ेगी ना, ए इसको कर लें तो ए माइनस वन ऊपर आगे ए बचेगा, ऊपर क्या बचेगा ए एन बी, ये होगी आपकी सिचुएशन नंबर फोर, ठीक है जी। अब क्या करो, सेकंड को थर्ड से करो, ठीक है, हमने ये थ्री जीरो थ्री सेवन फाइव, पूरा कटेगा नहीं, कुछ ना कुछ बचेगा, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करेंगे तो एन बचेगा, एन माइनस वन बी, बी से तो एक कट ही गया, और एन माइनस वन है ऊपर आके, ये बचना क्या है, ए की पावर एन, नहीं एन नहीं बचेगा, ए बचेगा ना, एन माइनस वन माइनस एन माइनस वन, एन माइनस कट गया, माइनस वन प्लस टू ये बचा, लो जी एन सी टू में जब सॉल्व करूंगा एन एन माइनस वन बचेगा, ठीक है, और नीचे क्या बचेगा टू, और ये हो गया बी, थ्री जीरो थ्री सेवन फाइव है ना, कटता है देखो किस चीज, लो जी ये आ गई पोजीशन नंबर फाइव, ठीक है जी। अब ऐसा करो, फोर को फिफ्थ से डिवाइड करो, या फिफ्थ डिवाइडेड बाय फोर, ये हो गया एन ए, एन से एन भी कट गया ये, ठीक है ना, बचा क्या टू ओवर एन माइनस वन ए बाय बी, और नीचे आ गया वन बाय एन ए बाय बी, अब आ जाएगी सिचुएशन, ये बचा वन बाय टेन, ये आपका है सेवन टू नाइन जीरो ओवर थ्री जीरो थ्री सेवन फाइव डिवाइडेड बाय वन बाय टेन, ए बाय बी भी कट गया, ठीक है, ये रिवर्स मार के ऊपर चला जाएगा टू एन ओवर एन माइनस, काट देते हैं जो कटेगा काट देंगे, थ्री जीरो थ्री सेवन सेवन टू, नहीं कटेगा नहीं यार, ये टेन ने इसके पास आना है, जीरो नहीं कटेगा, ध्यान से, यही तो गड़बड़ होनी है सबसे ज्यादा, सेवन टू नाइन जीरो डिवाइडेड बाय टू, ऊपर आ गया एन ओवर एन माइनस वन थ्री सिक्स फोर फाइव जीरो, थ्री जीरो थ्री सेवन फाइव एन थ्री सिक्स फोर फाइव जीरो एन
ऑर्डर लो जी 3 6 4 5 0। बड़ा मास्टर क्वेश्चन है, ध्यान से देखो तो अपने आप में, ठीक है ना। सिक्स जीरो सेवन फाइव एन, तो 3 6 4 5 0 डिवाइडेड बाय 6 0 7 5, 6 आ गया। एन की वैल्यू क्या आ गई? 6। उसने पूछा भी क्या है, करो नोट। आज ये सीरीज खत्म कर देंगे आ रहा, ठीक है ना, जिससे कल नया कर लेंगे।
कहते हैं फाइंड ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 प्लस ए एक्स की पावर 9। ठीक है जी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर 9 सी आर, ए हो गया 3 की पावर 9 माइनस आर और बी हो गया ए एक्स। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, यानी आर की जगह क्या रखना पड़ेगा 2, 3 की पावर 9 माइनस 2 ए की पावर 2 एक्स की पावर 2। देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 9 सी 2, 3 की पावर 7 ए का स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वो ये हो जाएगा 9 सी 3 ठीक है। देखो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, नाइन सी थ्री, 3 की पावर 6 ए क्यू, कहता दोनों क्या है बराबर। थ्री की पावर 7 6 कट गया, 9 सी 2 ओवर 9 सी 3 एक ए से ए ये कट गया और यहाँ 3 बच जाना है, ये क्या हो जाएगा ए, ये क्या हो जाएगा बाकी सॉल्यूशन है 9 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इज इक्वल टू 9 8 2 9 7 8 7 3 2 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 चौक 8 2 चौक 8 3 किया 9 9 चौक 36 36 किया 100 3 चौक 12 7 84 देखियो आंसर क्या है 9/7 है। देखियो ये एक्स जैसे चेक कर लो ना, एक्स बी एस में स्क्वायर मांग रहा है तो यानी एक्स की आर की 2 रखूंगा तभी स्क्वायर आएगा ना, ऐसे आर की 3 रखूंगा तभी स्क्वायर। उसके बाद कोफिशिएंट एक्स क्यू को अलग कर लो, एक्स स्क्वायर को अलग कर लिए, उसके अलावा जो वो कोफिशिएंट है आमने सामने इक्वेट कर दिया, ये मिल गया ना। कोफिशिएंट मतलब जो उसके साथ चल रहा होता है,
ये ऐसे काटने की कोशिश मत करो ना, कई बार गलत अजम्पशन हो जाती है। नॉर्मली जो चीज़ सिंप्लीफाई हो रही है, क्योंकि ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके ऊपर ही रख लिया उसको। क्रम से गलती भी तो हो सकती है ना, कई बार नहीं परफेक्शन आते इस चीज़ ये, तो जो चीज़ जहाँ है उसे वैसे ही रहना। कई बार गलती हो जाती है कि ये ऊपर चला जाए, कट जाएगा, नहीं कटेगा तो फिर अगर हमने गलती कर, तो बेसिकली जो चीज़ जहाँ है उसे रहने दो, वहीं सिंप्लीफाई कर दो। क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5। अब दो चीजें इकट्ठी दे रखी हैं, ये ध्यान से देखो, 1 + 2x की पावर 6 एंड 1 - x की पावर 7। कहता है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5, आराम से देखना। 6c0, क्योंकि वो तो 1 ही है, ये लिखने में आसानी हो जाएगी। 6c1 2x की पावर 1, 6c2 2x की पावर 3, 6c3 2x की पावर 3, 6c4, 5 से आगे हमने जाना है। लो जी, 7c0 -x की पावर 0, 7c1 -x की पावर 1, 7c2 -x की पावर 2, 7c3 -x की पावर 3, 7c4 ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। 6c1 2x 4x स्क्वायर 8x क्यूब 16x4 32x5, ठीक है। 7c0 हाँ वो कर देते हैं, हाँ 1 ही होता है, सॉरी लिखी दूंगा। 7c1x 7c2x2 7c3x3 7c4x4, ठीक है ना। कौन सा तो माइनस हो गया ना, माइनस ले तो है उसका पास, वो तो साथ जब बीच में एक माइनस होगा ऑल्टरनेट साइन चलेंगे ना। 7c5x की पावर, अब हमें 5 का कोफिशिएंट चाहिए, पहले तो 1 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो। 1 से किसको करना पड़ेगा, 7c वाले, 1 से किसको करने वाला पड़ेगा, 4 वाले को, ठीक है ना। ये 6c1 है, 7c4x4, 6c2 वाले को किससे करना पड़ेगा, 6c2 4x2 -7c3 x3। ऐसे क्यूब वाले को किससे करना पड़ेगा, स्क्वायर वाले से, 6c3 8x3 7c2 x2। और 4 वाले को किससे करना पड़ेगा, 6c4 16x4 -7c1 x। और 6c5 वाले को देखा जाए तो बड़ा धुआंधार क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। x5 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, x5 पूरे में से क्या बता, -7c5 6c1 7c4 6c2 7c3, ठीक है ना, 6c3 7c, अच्छा वो भी x5 यहाँ बचा ना, एक मिनट जल्दबाजी में ना गड़बड़ हो गई। x5 तो ले लिया हमने कॉमन, x5 x, ये भी तो बचेगा, ठीक है ना। यहाँ क्या बचा, 6c1 बच गया, 2 बच गया और 7c4। x5 तो कॉमन आ गया, पर
ये माइनस लगा दो, 6c2 7c3 और क्या बचा यहां पर, 4, 6c3 7c2 x5 6c4 16 x5 6c5 32। अब इसको सॉल्व कर लिया, मैं सीधा लिख देता हूँ ठीक है ना, नहीं तो फिर अभी टाइम है नहीं तो ये मैं ख़त्म भी करना है। इसका जो भी कोफिशिएंट होगा ना मर्ज होके आ जाएगा ये, क्वेश्चन नंबर क्या है ये, 171 वो सॉल्व कर देना ठीक है, कर नोट। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x5 इज 170। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर प्रूव दैट ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ ए एन माइनस बी एन। ठीक है, पहले आप ए, ए किसके बराबर होता है, ए के, तो आप इसे करो ए माइनस बी प्लस बी, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना। इसने बी को आगे ले आओ और इसको पीछे, ठीक है, एन ले लो दोनों तरफ पावर, ये हो गया, लगाओ जी फॉर्मूला, एन सी जीरो बी की पावर एन
a minus b की पावर 0, n c 1, b की पावर n minus 1, a minus b की पावर 1, n c 2, b की पावर n minus 2, a minus b की पावर 2, ध्यान से देखो, ये 1 हो गया, ये b की पावर n हो गया, ये भी क्या हो गया 1 हो गया, बाकी हर जगह आपको a की पावर a माइनस b कॉमन मिल जाए, ये b की पावर n यहां लागे कर लो माइनस, तो प्रूव हो गया राइट हैंड साइड इज डिविजिबल बाय a माइनस उसने यही बोला ना प्रूव दैट इसके रिमूवेबिलिटी के बाद जो भी बचेगा वो a माइनस b से डिविजिबल क्वेश्चन नंबर इवेल्युएट रूट थ्री प्लस रूट टू पावर सिक्स माइनस एक को फट से खोल लो ठीक है ना सिक्स सी जीरो रूट थ्री की पावर सिक्स रूट टू की पावर जीरो दूसरे को तो फिर हम फट से वो कर देंगे ना सिक्स सी वन रूट थ्री की पावर सिक्स सी टू रूट थ्री की पावर ठीक है सिक्स सी थ्री root 3 की पावर 1
सी सिक्स रूट थ्री की पावर जीरो, यानी ए की पावर घटती जाती है बी की पावर, पट से इसी को लिखते जाओ, ठीक है ना, ऑल्टरनेट साइन के साथ। इसमें कौन से कटेंगे, इवन वाले माइनस से तो कौन से कट जाते हैं, इवन वाले, ऑड वाले क्या हो जाएंगे, डबल, ट्वाइस ऑफ 61, ठीक है 63 जी, बाकी क्या कर दो, इसे यहां से कंप्लीट कर, आगे कंप्लीट कर देना। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस वन के पावर, बीच में प्लस है, बीच में क्या है प्लस, तो ऑड वाले सारे कट जाएंगे, ऑड वाले सारे कट, बीच में प्लस है, अगर बीच में नेगेटिव हो तो इवन वाले कट जाते हैं,
इसमें हमारे पास बचेंगे कौन से, 4C0, बार डबल लगा दो, डबल हो जाते हैं ना, 4C0 4C2, ठीक है। बाकी सॉल्व कर तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 8, ये भी क्या हो गया 1, 4C2, 4 3 2 कट गया, 6 बचा A4, और ये क्या हो गया A2 - 1, ये 1, ये A2 की पावर 0, वो स्क्वायर हो जाएगा, पेपर का बात 3D करनी है ना तुमने, है नहीं आ रहा, यही तक आ रहा है बस। चलो तो वो ना टेंशन में नहीं काम होना चाहिए ना कोई, क्यों पेपर कब है, आज तो थर्सडे ही है ना, तो क्या हो गया इसकी। हाँ अच्छा, उनकी दिल्ली में हो रही है, कोई बात नहीं, वो तो सुबह की होगी ना शादी, तो उस शाम की होगी, बड़े वाले की है ना, दो भाई हैं वो, छोटे वाले की भी है, अर्जुन के बाद हुआ था। वो रहता दिल्ली में है, कहाँ रहता है, दोनों को रहता है, कहते हैं 0.995 की फर्स्ट 3 टर्म तक एक्सपेंशन क्या लिख लेंगे, 1 - 0.01, यानी 5C0, 1 की पावर 5, 1/100 की पावर 0, -5C1, 1 की पावर 5, 1/100 की पावर 1, 5C2, ठीक है जी, सॉल्व करा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ठीक है जी, ये बचा 5/100, 5C2 क्या बचेगा, 5, 4, 3, ये 10 बचेगा, ये बचेगा 10, 1/100, ये 1/1000, ठीक है जी, 1 - 0.05, 0.00, ठीक है।
एट्थ क्वेश्चन बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उस चैप्टर में ही ये वाला है एट, ठीक है। कहते हैं द फाइंड एन इफ द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ फोर्थ रूट ऑफ टू प्लस वन बाय फोर्थ रूट ऑफ थ्री पावर एन इज इक्वल टू रूट सिक्स बाय वन। एन ढूंढना है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड फ्रॉम बिगिनिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड। तो पहले तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकालो, जितनी टर्म होती है आर उससे एक कम होता है, ये हो गया आपका, ये हो गया फोर्थ रूट, ये हो जाएगा एन माइनस फोर, ठीक है, और वन बाय फोर्थ रूट ऑफ थ्री, ये फॉर्मूला कहते हैं एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर, एन सी फोर, ये हो जाएगा टू की पावर एन माइनस फोर बाय फोर, टू पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे क्या हो जाएगा वन बाय थ्री, और नीचे सिर्फ थ्री बचेगा, ठीक है, नीचे क्या बचेगा थ्री, ये होगी फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग, सी फाइव फ्रॉम बिगनिंग, ये तो बड़े आसानी से पहुंच जाते हैं, टी फाइव फ्रॉम एंड, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एन माइनस आर प्लस वन, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया जितनी टर्म होती है आर उससे कम होता है, यानी एन माइनस आर चार लिखा, एन माइनस टी फिफ्थ फ्रॉम बिगनिंग आ गई, देयरफॉर टी फिफ्थ फ्रॉम एंड, सॉरी फ्रॉम एंड, एन सी आर, आर जो होता है टर्म से एक कम होता है, टर्म से क्या होता है कम, यानी एन माइनस थ्री माइनस वन, ये पॉइंट समझने वाले, और ये हो गया आपका फोर्थ रूट ऑफ टू एन माइनस फोर, और यहाँ हो गया फोर्थ रूट ऑफ थ्री की पावर एन माइनस एन सी एन माइनस फोर, एन से एन कट गया, ठीक है, यहाँ क्या बचेगा टू, क्योंकि टू की पावर फोर्थ रूट फोर से फोर कट जाएगा, और ये क्या हो गया वन बाय थ्री, सॉरी थ्री की पावर नीचे हो गई एन माइनस फोर बाय एन माइनस फोर बाय, ये बनेगा, इसकी जो रेशियो दे रखी है कितनी दे रखी है रूट सिक्स इज टू वन, एन सी फोर टू की पावर एन माइनस फोर बाय फोर नीचे इसके थ्री, ये एन सी एन माइनस फोर टू टू रहा और ये इसके नीचे आ गई थ्री की पावर एन माइनस फोर बाय फोर, ठीक है, रूट सिक्स बाय वन, ये तो आपस में कट जाएंगे पूरे के, जब उसको सॉल्व करोगे ना एन सी फोर का ये रिजल्ट आएगा सेम भी इसी का है, लो टू की पावर एन माइनस फोर बाय फोर, ये भी थ्री भी पहुंच गया उसके पास, और नीचे थ्री इंटू टू, तो ये हो जाएगी सिक्स की पावर, पावर सेवन बेसिस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है, पावर ये छः है रूट छः इंटू छः, छः की पावर कितनी हो जाएगी थ्री बाय टू, छः की पावर कितनी होगी थ्री बाय एन बाय फोर बाय थ्री बाय टू एन माइनस फोर, दो दूनी चार, देख एन कितना है दस है, देखो तो मैं कह रहा हूँ कहाँ से होगा, वही मैं कहाँ से गलत कर नोट कर, बाकी दो क्वेश्चन तो एक्सपेंशन वाले हैं, कर उसको बता,
9 10 सिंपल क्वेश्चन है एक्सपेंशन वाले, मैं बता देता हूँ कर लेता हूँ ठीक है ना। जैसे कि ये है यूजिंग एक्सपैंड यूजिंग 1 प्लस एक्स बाय टू माइनस टू बाय एक्स की पावर 4, इस पूरे को कलेक्टिवली ए मान लो, इस पूरे को बी मान लो, ए माइनस बी की पावर 4 खोल दो, उसको उसको रिप्लेस कर दो। जो दूसरा है 10 थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस थ्री ए स्क्वायर की पावर 3, होल्ड ऑफ थ्री ए स्क्वायर है ना पहले, हाँ थ्री ए स्क्वायर होल पावर 3x स्क्वायर, इसमें से माइनस ए कॉमन ले लेगा तो क्या बचेगा 2a माइनस टू एक्स माइनस थ्री ए। अब इसे आप ए मान लो पूरे पूरे को सॉल्व, ये चैप्टर खत्म हो गया, कर ले नोट तो कर ले, कैसे करेगा कॉन्फिडेंस होना चाहिए पर करना भी तो है ना।